वेलकम टू ऑल, दिस इज डॉक्टर यूसी पचौरी। आज हम चर्चा करेंगे प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पे आपको दो टर्म देख रहे हैं, एक तो प्लांट की लाइफ साइकिल कैसी होगी और दूसरा देख रहा है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है? प्लांट में दो तरह की जनरेशन होती है, एक तो होती है एन, जिसे हम कहते हैं हैप्लॉइड, इसे कहते हैं हम हैप्लॉइड जनरेशन, या इसी को बोलते हैं गैमेटोफाइट स्टेज। कौन सी होती है? गैमेटोफाइट स्टेज। ओके, अब गैमेटोफाइट को गैमेटोफाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गैमेट का प्रोडक्शन करते हैं। ये क्या बनाते हैं? गैमेट फॉर्मेशन होगा इनमें, गैमेट का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। ओके, दूसरे जो हैं 2N स्टेज होती है, 2N को बोलते हैं हम डिप्लॉइड, या हम बोलते हैं स्पोरोफाइट स्टेज। कौन सी बोलते हैं? स्पोरोफाइट। ओके, तो ये दो स्टेज जो हैं ये हर एक प्लांट में आती है, कभी N2N, N2N। तो ये सभी जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ये दोनों स्टेज आएंगी। अब स्पोरोफाइट को स्पोरोफाइट क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे प्रोड्यूस स्पोर्ट्स। क्या बनाते हैं? ये स्पोर्ट्स बनाते हैं। ओके, और स्पोर्ट जो है वो होते हैं एन, गैमेट भी एन होते हैं। तो ये देखना है कि कैसे वो एन और टू एन स्टेज जो है कैसे एक दूसरे को अल्टरनेट कर रहे हैं। एन आ रही है, फिर टू एन आ रही है। अब इसमें ये भी देखना है कि इसकी लेंथ किसकी ज़्यादा है, एन की या टू एन की। ओके, तो इसमें दो चीज़ें देखनी है कि कौन सी स्टेज डोमिनेंट है, एन डोमिनेंट है या टू एन, और दूसरा चीज़ देखनी है कि इसकी लेंथ ज़्यादा है। उसके बेसिस पर इस लाइफ साइकिल पैटर्न को तीन भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, तो हैप्लॉन्टिक मतलब क्यों बोल रहे हैं कि हैप्लॉइड स्टेज है, तो एन वो ज़्यादा डोमिनेंट। देखिए आप पूरा जगह कितने घिरे हुए हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 24 घंटे की लाइफ साइकिल है, तो कितना टाइम आप एन में दे रहे हैं, कितना टाइम आप टू एन में दे रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर टू एन इक्वल एक ही सेल है, सिंगल सेल है, तो टू एन टाइम तो कम दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ दे रहे हैं? एन में। इसका मतलब एन कैसी होगी? इसमें एन होगी इसमें डोमिनेंट स्टेज। ओके, लेंथ ज़्यादा है तो ये कौन सी स्टेज होगी? इसमें एन होगी डोमिनेंट। ओके, और टू एन कैसी होगी? टू एन जो है वो फ्री लिविंग नहीं होती, वो सी के अंदर होगी, इट इज़ नॉट फ्री लिविंग। ऐसे इस तरीके से हम देख सकते हैं। ओके, अब दूसरा जो है ये जो है उसके रिवर्स है। इस तरीके से इसमें देखिए सबसे ज़्यादा पार्ट कहाँ घिरा हुआ है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें 2N स्टेज सबसे ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर 2N है, 2N है मियोसिस। तो ये हम आगे चर्चा करेंगे डिटेल में, अभी हम इनमें जनरल आइडिया दे रहे हैं कि कैसे आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखनी है, कैसे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखनी है। तो डिप्लॉन्टिक कब कहेंगे? जब 2N ज़्यादा जगह घिरे हुए हैं। देखिए आप जैसे 24 आवर्स में अगर 20 आवर्स जो है वो 2N को दे रहे हैं, इसका मतलब वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी। ओके, और 4 आवर्स दे रहे हैं हैप्लॉन्टिक हैप्लॉइड स्टेज को, एन को, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी। तो ये आपका हो गया डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, नेक्स्ट थर्ड जो है वो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आउट ऑफ दिस 24 आवर्स 12 घंटे इसमें देंगे डिप्लॉइड स्टेज में, आधे आधे हैं, और 12 घंटे देंगे हैप्लॉइड स्टेज में। तो इस तरीके से ये हैप्लो भी है और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। तो ये तीन लाइफ साइकिल पैटर्न है कि इसमें देखना ये है कि कौन सा स्टेज ज़्यादा प्रभावी है, डोमिनेंट कौन सी है। डोमिनेंट वही होगी जो आपका ज़्यादा टाइम ले रही होगी, लेंथ ले रही होगी। ठीक है, अब इसमें क्या है? दोनों बराबर हैं। जैसे मान के चलें 12 आवर्स इनके हैं, 12 आवर्स इनके हैं, तो इनमें दोनों बराबर होगी। तो किसको हम हैप्लॉइड कब डोमिनेंट होगी, डिप्लॉइड कब डोमिनेंट होगी, तो इसके बारे में भी हम देख लेंगे। ओके, नाउ तो आपने जो प्लांट ग्रुप पढ़े हैं अभी तक, जैसे आपने पढ़ा है एल्गी, ओके, फिर आपने पढ़ा है ब्रायोफाइट, फिर आपने पढ़ा है टेरिडोफाइट, फिर आपने पढ़ा है जिम्नोस्पर्म, फिर आपने पढ़ा है एंजियोस्पर्म। ओके, तो जब डेवलपमेंट जब हुआ तो स्टार्टिंग में एन स्टेज जो है वो डोमिनेंट थी। तो यहाँ पे क्या है, एन कैसी है? डोमिनेंट है, और जो डोमिनेंट होगी तो वो इंडिपेंडेंट भी होगी, इंडिपेंडेंट भी होगी या फ्री लिविंग होगी। ओके, इंडिपेंडेंट कहो या इसी को हम कह सकते हैं फ्री लिविंग होगी। ओके, यह आपका हो गया। ब्रायोफाइट्स में क्या है, इसमें देखिए एन भी है और टू एन भी है, यानी दो बराबर हैं, लेकिन इसमें एन डोमिनेंट है। तो इस तरीके को बोलते हैं अपन हैप्लोडिप्लॉन्टिक। क्या बोलते हैं इसको हम? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, दोनों बराबर टाइम दे रहे हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, इसमें हैप्लॉइड स्टेज जो है कैसी है? डोमिनेंट है, और हैप्लॉइड स्टेज मतलब गैमेटोफाइट स्टेज।
ओके और ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है पार्शली और टोटली, ओके डिप्लॉय स्टेज जो है पार्शली और टोटली डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्या हो गया इसमें हम देखेंगे तो इसको थोड़ा सा उल्टा हो गया, यहाँ पे भी दोनों बराबर में है लेकिन इसमें टू एंड स्टेज जो है वो डोमिनेंट है। कौन सी स्टेज, इसको भी वैसे बोलना चाहिए डिप्लो हैप्लॉइडिक, क्योंकि डिप्लॉयड स्टेज डोमिनेंट है लेकिन एनसीईआरटी इसको क्या बोल रही है, इसको भी डिप्लो हैप्लो डिप्लॉन्टिक ही बोल रही है। लेकिन ध्यान रखा जाए इसमें क्या है टू एन स्टेज जो है वो डोमिनेंट है, टू एन कहें या ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें टू एन इसके ऊपर डिपेंडेंट थे, यहाँ दोनों ही फ्री लिविंग है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें दोनों स्टेज कैसी है, फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट है, ओके डन। तो ये आपका हो गया। और सब सोचने वाली बात ये है कि ये अगर डोमिनेंट तो यहाँ पर ये वाली जो है ना वो शॉर्ट लिव्ड होगी, कैसी होगी शॉर्ट लिव्ड। अब इसमें ये वाली डोमिनेंट है इसका मतलब कौन सी शॉर्ट लिव्ड होगी, इसमें शॉर्ट लिव्ड होगी ठीक है। जिम्नोस्पर्म में अब आगे देखिए, पहले एन का जबरदस्त कंसेप्ट था, एन था फिर टू एन चेंज हुआ, अब यहाँ पे भी कैसा है टू एन, यहाँ पे कैसा है टू एन। तो इसमें क्या एन होता है, एन होता है लेकिन बहुत ही कम, सिंगल सेल का होगा या टू फ्यू सेल्ड हो सकता है, फ्यू सेल्ड का हो सकता है गैमेटोफाइट ठीक है, एन का हो या गैमेटोफाइट, इसमें भी सेम कंसेप्ट चलेगा ठीक है, फ्यू टू मल्टी सेल्ड भी हो सकता है जिम्नोस्पर्म के केस में। तो इसमें क्या है कि प्रभावी या डोमिनेंट स्टेज कौन सी है टू एन, इसमें भी कौन सी है टू एन, टेरिडोफाइट्स में कौन सी है टू एन, एल्गी में कौन सी है एन, इसमें कौन सी है एन, डोमिनेंट स्टेज की बात कर रहे हैं। तो इसमें दोनों चीज़ दिखनी है क्या, एक तो हमें क्या दिखनी होती है इसमें लेंथ, दूसरा हमें क्या दिखना है इसमें कौन सी स्टेज डोमिनेंट है, ओके अब क्लियर। तो एंड डोमिनेंट है इसका मतलब ये सिंगल सिंगल सेल होता है डायगोट वही बनेगा केवल इसमें, ओके और दूसरा क्या है इसमें, इसमें एंड डोमिनेंट है इसका मतलब ये इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, यहाँ डिपेंडेंट नहीं है कोई किसी, दोनों ही फ्री लिविंग है लेकिन यहाँ पे ये डोमिनेंट है, ओके यहाँ पे डी डोमिनेंट है इस पर एंड जो है डिपेंडेंट होगा, ये भी डोमिनेंट है इस पर एंड डिपेंडेंट होगा। वेल हम बात कर रहे हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो भी है उनमें क्या होता है, उनमें एन हैप्लॉइड ऐसी को बोलते हैं गैमेटोफाइट फेज, गैमेटोफिटिक फेज, ओके और दूसरा कौन सा है टू एन डिप्लॉइड का है, इसी को बोलते हैं स्पोरोफाइटिक फेज, कौन सी बोलते हैं स्पोरोफाइटिक फेज, इनमें इनके लाइफ साइकिल में होते हैं कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, ओके। तो इस तरीके से जैसे कि अपनी हम बात करें तो अपन लोग जैसे कि ये टू एन है ठीक है, ये भी टू एन है, एक मेल है दूसरा फीमेल है, ओके तो इसमें मियोसिस करवाते हैं तो मियोसिस के बाद में कौन सी फेज आती है, ये एन और ये भी एन, यानी स्पर्म और ओवम इनमें फ्यूजन होगा तो क्या बन जाएगा फिर से जायगोट, यानी टू एन है फिर एन है फिर टू एन है फिर से मियोसिस करवाएंगे। तो इस तरीके से एन और टू एन जो है अल्टरनेट मैनर में चलती रहती है, तो ये दोनों ही फेज अल्टरनेट मैनर में चलती रहती है, इसलिए इनको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एन जनरेशन या उसका हैप्लॉइड जनरेशन या गैमेटोफिटिक जनरेशन का है, टू एन जनरेशन डिप्लॉइड का है या स्पोरोफिटिक जनरेशन, ओके। तो ये तो इस तरीके से इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और इस तरीके से प्लांट की लाइफ साइकिल तीन तरह की होती है, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक और हैप्लो डिप्लॉन्टिक। जो लाइफ साइकिल का पैटर्न है किसके बेसिस पर डिवाइड किया है, तो ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है एंड लाइफ साइकिल है जो कि तीन तरह की होती है, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ हैप्लॉइड यानी एन ज्यादा है या टू एन ज्यादा है, ओके और दूसरे तरह की कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है, क्या वो फ्री लिविंग है या डिपेंडेंट है, ये तरीका हो सकता है। अब हम एल्गी की जैसे बात करें तो एल्गी में क्या है, मोस्ट ऑफ द यू नो द पार्ट दे प्रेजेंट इन हैप्लॉन्टिक यानी कि एन स्टेज में रहते हैं, ओके ये हैप्लॉन्टिक, ये डोमिनेंट स्टेज क्या है इनकी, हैप्लॉइड कहो एन कहो या इसी को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसी को हम, गैमेटोफाइटिक जो फेज है वो डोमिनेंट है। क्या इसमें डिप्लॉइड फेज होता है, यस होता है, वो होता है सिंगल सेल के रूप में, दैट इज जायगोट, ओके। दूसरा जो प्लांट पार्ट है दैट इज ग्रुप है वो है ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट में हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलती है, इसका मतलब इसमें एन होगा और टू एन होगा, तो इस तरीके से रहेगा। इसमें एन जो है जो हैप्लॉइड पार्ट है वो डोमिनेंट होता है और जो डिप्लॉन्टिक पार्ट है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, ऐसे आपको पहचानना है, ओके। अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे, ब्रायोफाइट तो आ ही गया, इसके अलावा कुछ एल्गी जो है जैसे कैल्फ हो गया
अब कैल्प में ही और भी आ गए, ई मतलब एक्टोकार्पस भी हो जाएगा, पी मतलब यहाँ पॉली साइफोनिया हो जाएगा। तो हैप्लॉन्टिक कहाँ होती है? हैप्लॉन्टिक होती है मोस्ट ऑफ द एल्गी, ओके, मोस्ट ऑफ एल्गी में हैप्लॉन्टिक चलती है। जैसे कि हम बात करें बॉल वॉक्स हो गया, ओके, आपका नेक्स्ट स्पायरोगायरा हो गया, ओके, नेक्स्ट आपका सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, सम स्पीसीज ऑफ व्हाट, क्लेमाइडोमोनास, तो ये सब आपके आ जाएंगे हैप्लॉन्टिक में। डिप्लॉन्टिक में क्लियर, ओके, ऐसे आपको समझना है। तो इसमें क्या है कि चाहे वो एन स्टेज हो चाहे टू एन स्टेज हो, दोनों ही मल्टीसेलुलर होती है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या है, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट में क्या है, बेसिकली आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि दोनों ही हैप्लो डिप्लॉन्टिक होती है, लेकिन आप इसको कहना चाहेंगे डिप्लो हैप्लॉन्टिक, क्यों? क्योंकि इसमें टू एन जो है वो डोमिनेंट होता है, टू एन स्टेज कैसी होती है, डोमिनेंट होती है, और एन, अब इसमें एन जो है ये बराबर लिखा है, इसका मतलब क्या है, यदि हम किस तरह देखें तो इसमें एन और टू एन दोनों ही, टू एन और एन जो है दोनों ही सेम आवर्स में रह रही है। जैसे कि हम मान के चलेंगे 24 आवर्स का है, तो 12 आवर्स यहाँ बता रहे हैं, 12 आवर्स यहाँ बता रहे हैं, तो इस तरीके से आप कंसिडर कर सकते हैं कि दोनों ही बराबर स्टेज में है, दोनों ही बराबर आवर्स में दिख रहा है, ऐसे आप देख सकते हैं कि कौन सी लाइफ साइकिल है, ओके। इसको थोड़ा और अच्छा करेंगे तो डायग्राम बेस पर, ठीक है। तो यहाँ जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में टू एन डोमिनेंट होता है। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ, टेरिडोफाइट्स में ये दोनों ही कैसे हैं, फ्री लिविंग स्टेज में है, कैसे हैं, चाहे एन हो चाहे टू एन हो, दोनों ही कैसे होंगे, फ्री लिविंग, ओके। अब जिम्नोस्पर्म की जब कहानी पढ़ते हैं तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या है, इसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलती है, ऑल द सीड बियरिंग प्लांट्स, इसमें टू एन डोमिनेंट होता है, एन जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के अलावा और कौन से मेंबर है जहां पर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलती है, वो है फिसड्डी, एफ एस डी, ऐसा कर लो, फ्यूकस, सर्गासम और डायटम। इसमें फ्यूकस पे चूंकि ये एल्गी है एक्सेप्शन है, इसलिए एनसीईआरटी में इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, फ्यूकस में कौन सी लाइफ साइकिल होती है डिप्लॉन्टिक, ओके। इसमें क्या होता है, डिप्लॉइड फेज तो मल्टीसेलर होगा, हैप्लॉइड फेज जो होगा 1-2 फ्यू सेल हो सकता है और 2 मल्टीसेल भी हो सकता है, ओके। इसमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं हैप्लॉइड स्टेज में, तमाम सारे वेरिएशन आपको दिखेंगे सेल वाइज, एक सेल का भी हो सकता है, 2 सेल का भी, फ्यू सेल का भी हो सकता है और मल्टीसेल भी हो सकता है, ओके। नाउ अब हम डायग्राम की बात करें तो ये लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है। देखिए इसमें आपको क्या दिखा रहे हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा पार्ट, सबसे ज्यादा लेंथ किसको घेरा हुआ है, एन में, और टू एन तो एक ही सिंगल सेल है, सिंगल सेल के रूप में है, तो इसलिए इसको बोल दिया हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ओके। यहाँ से स्टार्ट करें, गैमेटोफाइट कैसा होता है, एन होता है, तो गैमेटोफाइट क्यों बोलते हैं गैमेटोफाइट, बिकॉज दे प्रोड्यूस गैमेट, ये गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं इसलिए इनको बोलते हैं, गैमेट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इसलिए इनको बोलते हैं गैमेटोफाइट, ओके। तो माइटोसिस के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन, तो क्या बनेगी, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन जाएंगे। गैमेट भी कैसे होते हैं, एन होते हैं, यहाँ देखिए हम एन से एन बना रहे हैं तो क्या करेंगे आप, माइटोसिस करेंगे। प्लांट के केस में जो गैमेट्स हैं वो माइटोसिस के द्वारा बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, ओके। इनका फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन कार्ड सिनगैमी, जायगोट बनेगा, तो मैं और जायगोट में क्या होगा, क्योंकि इनको एन में रहना है तो टू एन से तुरंत बाद, उसके बाद में क्या करवा देंगे, मियोसिस। इनमें क्या होता है, जायगोटिक मियोसिस होती है, कहाँ होती है, मोस्ट ऑफ द एल्गी, मोस्ट ऑफ एल्गी में क्या हो जाएगा, जायगोटिक मियोसिस हो जाएगा, ओके। इसे कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो मियोसिस से क्या बनेगी, दीज आर मियोस्पोर्स, क्या है ये, मियोस्पोर्स है, और मियोस्पोर्स कहते होंगे सब एन होंगे। अब एन से फेरोमोन बना रहे हैं, गैमेटोफाइट बना रहे हैं, तो इसमें कौन सा करवाओगे आप, यहाँ फिर से होगा क्या होगा, यहाँ पर माइटोसिस, ओके। नेक्स्ट क्या है, ये आपका इसमें दिख रहा होगा आपको कि देखो गैमेटोफाइट स्टेज तो है लेकिन बहुत ही कम समय के लिए है, बाकी सब टू एन ही है, देखो पूरे टू एन है, तो इसमें एन गैमेटोफाइट हो गया। अब गैमेटोफाइट पता ही, गैमेटोजेनेसिस करेगा, जिससे कि आपके ये गैमेटोजेनेसिस के द्वारा जो है क्या बनाएंगे, वो मेल और फीमेल गैमेट बनाएंगे। तो ये जो पॉलिंग ग्रेन जो है ये क्या है, पॉलिंग ग्रेन है मेल गैमेटोफाइट, पॉलिंग ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट है, ओके। इसी तरीके से एम्ब्रियो सैक जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, ओके। एम्ब्रियो सैक कहो या फीमेल गैमेटोफाइट कहो, तो एम्ब्रियो सैक में क्या होगा, एग होगा, ठीक है, और इसमें मेल गैमेट बनेंगे, फ्यूजन होगा, सिनगैमी होगी, जायगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, तो स्पोरोफाइट, क्योंकि जायगोट टू एन है और ये भी टू एन है, तो इसमें माइटोसिस होकर के क्या बना लेंगे, स्पोरोफाइट, ओके।
ये आपका हो गया। अब स्पोरोफाइट में करेंगे आप मियोसिस, तो बनेंगे मियो स्पोर्ट्स। क्या बनेंगे ये बन गए हैं मियो स्पोर्ट्स। ओके, और मियो स्पोर्ट्स कैसे होते हैं, एन होते हैं, तो एन से एन बनाओगे तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा। कौन सा होगा यहाँ पे, माइटोसिस। ओके, क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ चलता है, तो ये जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में, इसका फिसड्डी, फिसड्डी। ओके, नाउ नेक्स्ट हैप्लोडिप्लोंटिक। तो हैप्लोडिप्लोंटिक में क्या है, देखिए बराबर है, दिख रहा है आपको ये पूरा अपना नदी सर्किल, उसमें बराबर टू एन और एन। इसमें यहाँ से स्टार्ट करें गैमेटोफाइट, एन गैमेटोजेनेसिस। देखिए सेम चीज रहती है, लाइन वो सेम है, केवल अंतर ये है कि हम इसको डिवाइड कैसे कर रहे हैं, है ना। हैप्लोडिप्लोंटिक में इसको बीच से डिवाइड कर दो तो बराबर हो जाएगा। गैमेटोजेनेसिस, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, सिनगैमेट, जायगोट, एम्ब्रियो, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट मियोसिस। ये देखिए मियोस्पोर्स बन गए, क्या बन गए ये, मियोस्पोर्स बन गए। और मियोस्पोर्स कैसे होते हैं, एन, ये यहाँ पे माइटोसिस करने के बाद जो स्पोर्स हैं, माइटोसिस करने के बाद क्या बना लेंगे, वो गैमेटोफाइट बना। तो इस तरीके से रहता है। आपने ब्रायोफाइट में देखा था प्रोटोनीमा, देन लीफी गैमेटोफाइट, इसमें स्पोरोफाइट बना था, फूड सीटा कैप्सूल। ठीक है, तो ब्रायोफाइट के केस में क्या है, यहाँ मैं आपको क्लियर कट कर दूँ कि ब्रायोफाइट के केस में क्या होगा, इसमें एन डोमिनेंट होता है और टू एन शॉर्ट लिफ्ट होता है। ओके, शॉर्ट लिफ्ट होता है, और ये कैसा होता है, डोमिनेंट होता है। और टेरिडोफाइट केस में क्या होता है, टेरिडोफाइट केस में क्या है, इसमें उल्टा करेंगे, टू एन और एन। ठीक है, इसमें ये डोमिनेंट है, टू एन यानी डिप्लॉयड डोमिनेंट है, और ये कैसा है, शॉर्ट लिफ्ट होता है। ओके, और इसमें ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें दोनों ही फ्री लिविंग होते हैं, दोनों ही कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। तो ये पक्का हो गया अबाउट लाइफ साइकिल। अब एनसीईआरटी तरफ चलते हैं, तो इसमें देखिए एनसीईआरटी में किस तरीके से ये फ्री लिविंग, ये आपका फ्री लिविंग नहीं होता है, ये सी पी डिपेंडेंट होता है, टू एन स्टेज फ्री लिविंग नहीं होता है। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ गिर रखा है इन्होंने, हैप्लोंटिक में। तो ये कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, मोस्ट ऑफ द एल्गी। ओके, मोस्ट ऑफ द एल्गी, इसमें एग्जाम्पल आपके देखिए हैप्लोंटिक ये आ गए, मैनी एल्गी। ओके, कौन कौन से हैं, वॉलवॉक्स है, स्पायरो वगैरह है, हैप्लोंटिक की सम स्पीसीज ऑफ, स्टार लगाइए, सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडो मोनास। इसमें ये डिप्लॉन्टिक का आ गया, डिप्लॉन्टिक में क्या क्या बताया था हमने आपको, कहाँ कहाँ होगा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और फिसड्डी, एफ एस डी। इसमें महत्वपूर्ण है फ्यूकस एनसीईआरटी के हिसाब से। ओके, लेकिन आप और याद कर सकते हैं, सर्कसम, आप डाइटम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके हो गए, इसमें हैं, इसमें डिप्लॉयड स्टेज जो है वो डोमिनेंट होगी, जो डोमिनेंट होगी वो फोटोसिंथेटिक भी होगी, और इंडिपेंडेंट फेज होगा। गैमेटोफेज रिप्रेजेंट द सिंगल सेल भी हो सकती है, फ्यू सेल्ड और मैनी सेल्ड भी हो सकते हैं। एक एल्गा है, इसका नाम है फ्यूकस, स्टार लगाइए, जिसमें कि डिप्लॉन्टिक जनरली ये आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में होते हैं। ओके, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में कौन से तरह हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, देखिए इसमें हैप्लॉइड फेज, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट बने होंगे यहाँ पे, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूजन हुआ होगा, जायगोट, स्पोरोफाइट, फिर से मियोसिस। तो इसमें टू एन स्टेज भी है और एन स्टेज भी है, इस तरीके से रहेगा। और ये बेस फेज, दोनों फेज कैसी है, मल्टीसेलर हैं, लेकिन ये डोमिनेंट फेज पे इसको कैसे डिफर करोगे, डोमिनेंट फेज कौन सी है। ब्रायोफाइट में एंड डोमिनेंट होती है, और इस तरीके से इनमें जो वो इरेक्ट हो सकता है, फैलेट फॉर्म हो सकता है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है, इसके बाद शॉर्ट लिव्ड स्पोरोफाइट। ओके, जो कि पार्शियली और टोटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर व्हाट, फॉर इनकरेज एंड देन न्यूट्रिशन, ऑल ब्रायोफाइट रिप्रेजेंट द सेम। इसमें टेरिडोफाइट्स के बारे में बता रहे हैं, इसमें टू एन डोमिनेंट होगा, टेरिडोफाइट डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट, फोटोसिंथेटिक, बैचलर प्लांट बॉडी। इसमें जो गैमेटोफाइट है वो मल्टीसेलर होगा, वो सेप्रोफाइट भी हो सकता है या ऑटोट्रॉपिक हो सकता है। ओके, इंडिपेंडेंट होगा बट कैसा होगा, शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, इस तरीके पैटर्न हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगा। इसमें टेरिडोफाइट तो है ही, ऑल टेरिडोफाइट, इसके अलावा इसमें ये भी है आपका एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और कैल्प, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक के हो गया, फ्यूकस इसका हो गया डिप्लॉन्टिक। ओके, इस तरीके से आपका पूरा लाइफ साइकिल पैटर्न। ओके, थैंक यू।